हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनय गुप्ता एजुकेशन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का डाइस चैप्टर, मतलब कि पासा। तो दोस्तों, पासा देखते हैं, पासा क्या होता है। तो पासा जो है ये आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आपके दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, नंबर दो आपका जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। तो दोस्तों, मानक पासा क्या होता है इसे देखते हैं। मानक पासा होता है, इसमें जो क्या होता है कि इसमें विपरीत सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। कितना? 7 होना चाहिए। यहीं पर जनरल डाइस क्या कहता है? जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा कहना है कि पड़ोसी सतह का जोड़ इसमें 7 होना चाहिए। मानक पासा कहता है कि विपरीत सतह का जोड़ 7 होना चाहिए और जनरल डाइस कहता है कि पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्लियर कराएंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए बिना पूरी देखना। तो दोस्तों, चलते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, 3 रूल हैं इसके, ज्यादा नहीं। इन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है आपका कि जब एक पासे को दो बार फेंका जाए, यानी कि पासा एक ही है उसे आपको दो बार फेंकना है। ओके, दो बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो आपकी, उसमें आपकी एक सतह समान हो, तो समान सतह जो होगी वह आपकी विलुप्त संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? जो आपकी संख्या उन पासों में नहीं दी गई है, मतलब कि विलुप्त संख्या के बराबर होगी। जैसे देखते हैं, ये दो पासे हैं, इन्हें पासा ये एक ही है, फेंका इन्हें दो बार गया है। अब पूछ रहा है इसमें कि बताइए आप एक के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों, एक के विपरीत इसमें क्या होगा देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग कि इसमें एक दो जगह पर है, तो एक क्या हो गया आपका? एक हो गया आपका कॉमन, ठीक है, एक आपका हो गया कॉमन। अब क्या कहता है, इधर से अगर क्लॉकवाइज घुमाई जाए तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा। और इधर से अगर क्लॉकवाइज घुमाई जाए तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ओके, फिर अगर यहां से इधर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। और इधर से क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये संख्या आ रही है, 2 के विपरीत इसमें यहाँ पर 5 आ रही है, 6 के विपरीत 4 आ रही है, पर इनसे में कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमें कि 1 के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों, हमने क्या बताया अभी कि अगर एक सतह समान है तो विलुप्त संख्या के बराबर होगी समान सतह आपकी। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या विलुप्त है, यहाँ पर देखिए आपका 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, पर कितना नहीं है आपका? 3 नहीं है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब एक पासे में एक सतह समान हो, समझ रहे हो आप लोग, कि मतलब एक पासे को दो बार फेंका जाए और उन दोनों में आपकी एक सतह समान हो तथा समान सतह आपकी समान स्थान पर हो, मतलब जिस स्थान पर वो है उसी स्थान पर अगर दूसरे पासे में भी है तो आपकी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी? तब आपकी पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे देखते हैं, यहां पर ये दो पासे हैं, एक ही पासे का दो भाग है, मतलब पहली बार एक फेंका तो यह आया, दूसरी बार फेंका तो आपका यह आया। अब पूछ रहा है आपसे कि बताइए एक के विपरीत क्या होगा। किसके विपरीत? एक के विपरीत। अब देखिए इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? आपकी 3 है इन दोनों में कॉमन संख्या, ठीक है। उसके बाद इधर से क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और इसमें क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। फिर यहां से क्लॉक वाइज घुमाया तो कितना आया आपका? 1 आया। और यहां से क्लॉक वाइज घुमाया तो कितना आया आपका? 4 आया। अब क्या पूछ रहा था कि एक के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों, यहां पर एक के विपरीत क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है।
तो समझ गए होंगे आप लोग रूल नंबर टू भी। अब चलते हैं रूल नंबर थ्री की ओर। तो रूल नंबर थ्री क्या कहता है, देखिए कि जब एक पासे को दो बार फेंका जाए, कितनी बार, दो बार फेंका जाए, और उसमें जो है दो सतह आपकी समान हो, कितनी सतह आपकी समान हो, दो सतह समान हो, तो बची हुई संख्या मतलब जो शेष संख्या बचेगी वह आपकी एक दूसरे के विपरीत होगी, वह आपकी एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि एक के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत, एक के विपरीत। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो देखिए यहाँ पर तीन कॉमन आ रहा है, ये देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, कॉमन आ रहा है। उसके बाद आपका दो भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दो भी कॉमन आ रहा है। अब कौन सी बची संख्या, इसकी बची एक और इसकी बची पांच, इसकी बची एक और इसकी बची पांच। तो दोस्तों यहां पर एक के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका पांच हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों आप रूल नंबर तीनों समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बिगाड़े दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपका है, ये दो पासे ले लिए हमने, ठीक है, अब इनकी संख्या भी हमने लिख दी, ओके। अब पूछ रहा है कि एक के विपरीत क्या आएगा, किसके विपरीत, एक के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों सब इसे देखने से पहले आपको बता दें कि देखिए एक के विपरीत क्या आ रहा है, इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो सबसे पहले देखिए आप तीन भी कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में तीन तीन आ रहा है, फिर दो दो भी आ रहा है, ओके। तो क्या क्या बचा आपका, इधर बचा आपका एक और इधर बचा आपका पांच। तो एक के विपरीत कौन सी हो गई, पांच। ये रूल नंबर कौन सा है आपका, रूल नंबर तीन। देखिए रूल नंबर तीन क्या कहता है कि अगर एक पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें दो सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो समझ में आ गया, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछ रहा है कि आपका से दो के विपरीत क्या होगा, किसके, दो के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका पांच, इसमें भी है पांच, इसमें भी है, ओके। और देखिए चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, इतना आ रहा है कॉमन। बचा क्या आपका, बचा तो आपकी दो संख्या बची, एक इधर, और बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है जब दो कॉमन मिल जाए। तो क्या क्या बचा आपका, इधर दो बचा और इधर आपका छह बचा, तो यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या है दोस्तों, देखते हैं अभी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दें, हम भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। अगला है क्वेश्चन आपका, ये दो पासे ले लिए, ठीक है, अब इनकी संख्या भी लिख देते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका चार के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप इन दोनों में देख लीजिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है या क्या नहीं कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप लोग कि इन दोनों पासाओं में दो जो है वो कॉमन मिल रहा है,
इसमें दो कॉमन है, ठीक है। अब क्या देखना है, अब देखना है कि ये क्या अपनी अपनी उसी उसी सतह पर है। तो देखिए ये भी वही उसी सतह पर है जिस सतह पर ये है। हमने क्या बताया रूल नंबर दो पर ध्यान दीजिए कि अगर एक पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो तथा समान सतह समान स्थान पर हो तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब पूछ रहा है चार के विपरीत कौन सी होगी, तो देखिए इसमें से दो कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, दो ले लिया आपका कॉमन। अब यहाँ से आपकी क्लॉक वाइज घुमाए तो कितना आया थ्री, और यहाँ से आपकी क्लॉक वाइज घुमाए तो कितना आया फाइव। अब यहाँ से फिर से क्लॉक वाइज घुमाए कितना आया फोर, यहाँ से क्लॉक वाइज घुमाया कितना आया आपका वन। पूछ क्या रहा था चार के विपरीत कौन से आएगा, तो चार के विपरीत आपका एक आ गया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर चार आपका है, एक सेकेंड, अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप लोग बताएं कि चार के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों चार के विपरीत क्या आएगा आप लोग बताइए। अच्छा आप लोग बाद में कर लेना, तब तक हम कर लेते हैं, गर्मी बहुत लग रही है। तो दोस्तों चार के विपरीत आएगा आपका देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि एक यहाँ पर कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब कि एक एक कॉमन तो आ रहा है और उसी सतह पर एक एक है। तो क्या हुआ रूल नंबर कौन सा लगेगा, रूल नंबर आपका दूसरा लगेगा। तो एक एक तो हमने ले लिया कॉमन, ओके। आप कर दिया क्लॉकवाइज, यहां पर चार आया, इधर से किया तो कितना आया थ्री आया, फिर इधर देखिए यहां से फिर किया कितना आया टू आया, यहां से किया आपका फाइव आया। पूछ क्या रहा था कि चार के विपरीत क्या आएगा, किसके विपरीत चार के विपरीत। तो चार के विपरीत आपका क्या आ रहा है, आपका तीन आ रहा है, ओके दोस्तों। तो अगर इसी में पूछ लेता कि आपके दो के विपरीत क्या आ रहा है, तो दो के विपरीत क्या आता है आपका पांच आता है। अगर पूछ लेता कि इन दोनों में जो है विलुप्त संख्या बताइए, तो विलुप्त संख्या कौन सी होती है, देखिए आपका एक भी में है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, बचा क्या आपका छह। तो एक इसके विपरीत हो जाता है आपका छह के विपरीत। तो दोस्तों आज हमने आपको पासे कंप्लीट करा दिए हैं, आपका बच्चा है सिर्फ ओपन डैश, तो ओपन डैश हम अगले पार्ट में पूरा करा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।